मर्दाना कमजोरी की ये दवाई एल अर्जिनिन वायग्रा से भी ज्यादा असरदार है ये चीज। इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार से एक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एल अर्जिनिन ये एक अमाइनो एसिड है और यह नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रिकर्सर है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो तैयार होता है एल अर्जिनिन से, और नाइट्रिक ऑक्साइड काम का है अपनी जो खून की जो नलियां हैं, रक्त प्रवाह जिसमें होता है, तो उसको डायलेट करने की, बड़ा करने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड का उपयोग है। मतलब जब एक्साइटमेंट होता है, सेक्स एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा, तो जब एक्साइटमेंट होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड खून की जो नलियां हैं मतलब ब्लड वेसल्स, उसको फुलाता है, समझो ऐसी है, तो इसको ऐसा कर देता है। अब लिंग में की जो खून की नलियां हैं वो यदि बड़ी हो गई तो नेचुरली खून उसमें अंदर घुसेगा और लिंग में कठोरता आती है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का ये काम है। नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो होती है एल अर्जिनिन या अमाइनो एसिड से। मतलब एल अर्जिनिन रहा तो नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छा होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छा रहा तो इरेक्शन अच्छा आ जाएगा। तो नाइट्रिक एल अर्जिनिन इसके लिए काम का है सेक्स लाइफ में। एल अर्जिनिन इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन इसके ऊपर भी असर करता है, बीपी को कंट्रोल करता है, लोअर करता है। एल अर्जिनिन यह एंटी एजिंग भी है, मतलब आपको बुढ़ापे से भी रोकती है, बुढ़ापा होने से भी रोकती है एल अर्जिनिन यह दवाई। ये औरतों और पुरुषों में दोनों में भी काम में आती है। एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए एल अर्जिनिन है। एल अर्जिनिन यह टफ कॉम्पिटिशन में काम जो मतलब हिस्सा लेते हैं उनके लिए एल अर्जिनिन है। और एल अर्जिनिन मर्दाना कमजोरी के लिए भी है। एल अर्जिनिन का फायदा फेफड़ों के ऊपर होता है, लंग्स और हार्ट और मसल्स, इसके ऊपर एल अर्जिनिन बहुत अच्छा काम करती है। एल अर्जिनिन एंटीऑक्सीडेंट भी है ताकि जो फ्री रेडिकल्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो सब तरह से यह एल अर्जिनिन है। एल अर्जिनिन कोई दवाई नहीं है, ये एक्चुअली देखा जाए तो ये अमाइनो एसिड है। और यह अमाइनो एसिड फलों में मिलता है, फ्रूट्स, और फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा जो है वो ड्राई बनाना, डेट्स और कीवीज इसमें सबसे ज़्यादा होता है। वेजिटेबल्स में चना, पालक, ब्रोकली, सोयाबीन इसमें ज़्यादा होता है। नॉन वेज में फिश और एग्स, अंडे इसमें होता है। अभी आप बोलेंगे कि भाई एल अर्जिनिन जो है वो हम खाएंगे तो हो जाएगा, मगर एल अर्जिनिन हमने खाने में कितना खाना, वो कितना पचेगा, कितना अंदर जाएगा, तो हमको सबसे आसान तरीका बता दो। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एल अर्जिनिन के सैचे मिलते हैं, जैसा कि अभी मेरे पास में ये है, ये इसमें सैचे है। और एक्चुअली एल अर्जिनिन 1.5 ग्राम से 2 ग्राम रोज का लिया तो भी चलता है। ये सैचे जो मेरे पास में स्पेशल हमने बना के ली हुई है, तो ये सैचे 3 ग्राम, एक सैचे में 3 ग्राम है, मतलब 3000 मिलीग्राम है एल अर्जिनिन। और ये लिया तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनर्जेटिक भी लगेगा। एल अर्जिनिन के साइड इफेक्ट्स है, साइड इफेक्ट उनसे बीपी कम करता है। एल अर्जिनिन और योहिम्बिन ये यदि साथ में लेते तो और ज़्यादा पावर मिलती है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जब आप PDE5 इनहिबिटर्स लेते हैं, सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, तो उससे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी है, वो साइड इफेक्ट इसके नहीं है एल अर्जिनिन के। तो एल अर्जिनिन बहुत ही कारगर है, ये दवाई के रूप में लेते हैं तो एक सैचे आपने रोज लेना है 3 ग्राम का, और वो आप कंटिन्यूस 3 महीने लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। लिंग में कठोरता अच्छी आएंगी, कमजोरी है वो दूर हो जाएंगी, स्टेमिना टिकेगा और आपके जो वैवाहिक संबंध है वो अच्छे रहेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर तमाम वो लोगों को शेयर करो कि जो लोग डरते हैं सिल्डेनाफिल टाडालाफिल लेने के लिए, जिनको सिल्डेनाफिल टाडालाफिल लेना डॉक्टर ने नहीं बोला है क्योंकि रिएक्शन आती है या दर्द होता है, साइड इफेक्ट्स है, तो उनके लिए एल अर्जिनिन बहुत ही कारगर दवा है। चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।